नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गोल्डन न्यूज़ के इस फ्रेश वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लोकसभा 2019 के कुछ डेली अपडेट्स जो आपको रोजाना यहाँ पर मिलते रहेंगे। उसके लिए आपको नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को दबाना रहेगा और साथ ही में बेल के आइकन को दबाइए ताकि आपको रोजाना ताज़ा खबरें एकदम तुरंत फास्ट मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर है फर्स्ट पोस्ट ट्रस्ट सर्व नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं 63% लोग। भारत की जनता में 63 यानी कि 60% लोग जो है वो भारत में मोदी को वापस से प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में सभी पार्टियां बीजेपी को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। महागठबंधन और कांग्रेस मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बार हराना चाहती है। इन सब के बीच फर्स्ट पोस्ट ट्रस्ट सर्वे में जनता का मूड कुछ और ही दिख रहा है। फर्स्ट पोस्ट ट्रस्ट के सर्वे के अनुसार 63.4% लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बने। फर्स्ट पोस्ट ट्रस्ट ने सर्व 2 मार्च से 22 मार्च के बीच 30 राज्यों में 31,000 से ज्यादा लोगों का पेल लेकर किया गया था। प्रधानमंत्री की दौड़ में दूसरे नंबर पर राहुल गांधी है, लेकिन लोकप्रियता की दौड़ में राहुल गांधी मोदी को पीछे छोड़ रहे हैं। सिर्फ 16.1% लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। ममता बनर्जी को 3.4% और मायावती को 2.2% और प्रियंका गांधी को 1.5% ही प्रधानमंत्री बनना देखना चाहते हैं। लेकिन भारत का प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये तो आप लोग ही तय करोगे। तो आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि भारत में इस वर्ष कौन सा प्रधानमंत्री बनेगा, यानी कि उनका नाम लिखना रहेगा। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आती है तो इसे आप फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, कहीं पर भी शेयर कर सकते हो, साथ ही में इसे लाइक भी कर सकते हो। तो बने रहिएगा गोल्डन न्यूज की ओर से, हमेशा यहां पर लोकसभा चुनाव और ताजा खबरों की अपडेट मिलती रहेगी आपको।